फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय राजस्थानी फैमिली ब्लॉग। और अब हम हो गए रेडी। सुनता दीदी तो पहले ही चले गए, मेयर भाभी साहब हाँ आ रहे हैं, इधर आ जा। तो अब हम जाएंगे भाई साहब के घर, क्योंकि आज है भैया के पीले चावल और विनायक भी बिठाएंगे, तो उसके लिए रेडी हुए। ये मेरा लुक, ग्रीन और येलो कलर की पोशाक पहनी है, और भाभी साहब ने येलो कलर की पहनी है पूरी। तो छोटे वाले भाभी साहब आ रहे हैं, तब तक वेट कर रहे हैं, फिर जाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे जो जो होगी सारी रस्में वो सारी। तो आप भी बने रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। ये मेरे दोनों भाभी सब तैयार हुए, बताइएगा कैसे लग रहे हैं। इसके जूते उरे गुरु जोल। अब भाई साहब के घर पर आ गए हैं, तो अब पीले चावल तो हो गए, तो बान बिठाएंगे। तो बान बिठाने से पहले यहाँ पर जो मूंग होते हैं ना, जो सब औरतें बैठी होती हैं, गीत गाते रहते हैं और फिर उनको साफ़ करते हैं और मूंग उछाले जाते हैं, वो रस्म हो रही है। तो आप भी देखिए और बने रहिए। ये है हमारे दूल्हे के भाभी साहब, येलो ड्रेस पहनी है। हो मस्त बना, सोच ना करो थे। वो जसा जी जी थाली लेके रखे दूल्हे के बहन। ये है हमारे भैया, तो पूजा हो रही है। अब बान बैठ गए हैं, हमारे यहाँ पर जो पाठ बैठाते हैं ना उसको बान कहते हैं। तो बान बैठ गए, और बान बैठने के बाद में फिर दूल्हे को घी पिलाया जाता है। तो अभी बड़े वाले भैया और भाभी साहब घी पिला रहे हैं भैया को, और उसके बाद में सब एक एक करके सब पिलाते हैं यहाँ पर। थोड़ा सुख सुख अब दिए जा रहे हैं, जो बिरत बड़े के दिए जाते हैं, दाल के बिरत बड़े दिए जाते हैं, वो पहले तो दूल्हे राजा देता है, और उसके बाद में सात सुहागन औरतें होती है ना वो देती है, और साथ में गीत गाए जाते हैं। सहस्र मृग रे मावा की चीरे
रात और हमारे यहाँ पर जो बांध बैठता था उसके बाद में फिर बंदोरा आता है। पहला बंदरा जो ब्राह्मण के घर पर बंदोरा होता है, तो वो अभी जीम कर आ रहे हैं घर पर वापस से। और हमारे जब दूल्हा बाहर जाता है ना घर से बांध बैठने के बाद में, तो उसके ऊपर ओढ़नी लेकर जाते हैं। हो रहा था तब डीजे चल रहा था, तो प्रज्ञान और मेरा भतीजा गौरव ना बड़े वाला, वो दोनों के दोनों डांस कर रहे थे साथ में और बहुत ज़्यादा खुश होकर रख रहे थे और डांस कर रहे थे दोनों जन साथ में, देख सकते हैं आप है। आपके साथ में शेयर करती हूँ जो आज के दिन में खींची थी पूरे दिन की वो सारी फ़ोटोज़। और मेरे बुआ जी के छोटे वाले बेटे हैं मेरे भैया, उनकी शादी और इनके गवर्नमेंट जॉब पर रहने के अंदर, और ये हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटो खींची थी साथ में सब लेडीज़ की वो वाली, और ये भैया के साथ में खींची थी। और सब जो आगे आएगी वो सारी फ़ोटो मेरे भाभी सार भैया सबकी, भैया की और मेरे जीजी की सबकी, वो सारी की सारी फ़ोटो जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और मैंने रात पूरे दिन तो फुल इंजॉय किया, तो फिर रात में एक बार डांस किया, उसके बाद में प्रज्ञान को नींद आने लगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगे थे, इसलिए एक बार किया फिर नहीं किया था। और फुल इंजॉय किया था आज के दिन। कावे तो सो गई थी, खाना खाया और सो गई, उसको तो नींद आ गई। तो ये मेरे दोनों भाभी सार मेरी जीजी और हम दोनों बहनों की आज के वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ में। और अब आगे जो भी चार पांच ब्लॉग होंगे वो सारे के सारे शादी के ब्लॉग होंगे, तो आप भी फुल एंजॉय कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हल्दी बार में बैठा था और ये जो फ़ोटो है वो बेहद बड़े दिए थे उसकी फ़ोटो, वो भी मैंने खींची थी, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करिए। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में।